अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब ठीक होंगे। इस वक्त जो मेरे हाथ में बोतल है, आप सब देख रहे होंगे कि आज कोई नई वीडियो में आ रहा है। वीडियो में क्या करने आ रहा है जी जनाब? तो ये जो है वो डेली माउथ वॉश की बोतल है, ठीक है। आपने अगर अपना मुंह माउथ वॉश करना है, मुंह की स्मेल ख़त्म करनी है, दांतों से पिलाहट ख़त्म करनी है, तो आपको ये बोतल का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है जनाब। और इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। इसके बाद आपके मुँह से स्मेल नहीं आते, आप इससे बात करते हैं, ठीक है, तो आपके मुझे स्मेल नहीं आएगी। कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ हैं, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के बॉयज़ यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस बॉयज़ यूज़ कर सकते हैं, बैंक में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी, कहीं पढ़ाने जाते हैं, कहीं जॉब करते हैं, कहीं भी हैं आप, ठीक है। बॉयज़ के लिए ये बेस्ट थिंग है, ठीक है। तो थोड़ा करीब करके दिखा देती हूँ। लिस्टेरिन इसका नाम है, डेली माउथ वॉश है और कूल मिंट है, ठीक है। और इस पे लिखा हुआ है कि ये हेल्प करता है फाइट जर्म्स, ठीक है। एक तो आपके जरासीम ख़त्म करता है, ठीक है, जिनकी वजह से आपके पिलाहट होती है, दैट कॉज अ प्लेग, एंड गिव्स अ 3x, यानी कि 3x जो है वो आपको क्या दे रहा है, डीपर क्लीन वर्सेस ब्रशिंग अलोन, ठीक है। तो इसका ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। 250 मिलीलीटर की ये बॉटल है। ये इसका बारकोड स्कैन के लिए दिया हुआ है, ठीक है, और ऊपर लिखा हुआ है कि 100% रिसाइकलेबल है ये बॉटल, ठीक है, और ये लिखा हुआ है इसके ऊपर। बाकी ये ऊपर से बॉटल का कैप है, बैक से मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। इसकी बैक पे नीचे सारे अरेबिक में लिखा हुआ है, ठीक है, जो ऊपर इंग्लिश में लिखा है वही नीचे अरेबिक में उन्होंने लिखा हुआ है। पता नहीं आपको क्लियर आ रही है पिक्चर इसकी कि नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा जी, जो जी, तो ये मैं आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ। उन्होंने लिखा है जी, यूज़ ट्वाइस डेली, आपने इसको रोज़ाना यूज़ करना है, ठीक है। लिस्टेरिन कूलमिंट 24 आवर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्लेग एंड प्लेग एंड गिव्स लास्टिंग फ्रेश ब्रीथ, ठीक है, और कॉन्फिडेंस एंड फाइट्स बैक्टीरिया इन अ लैब टेस्ट। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये आपको क्लिनिकली जो है वो प्रूवन करेगा इंग्रेडिएंट्स, ठीक हो गया। अब उसके बाद उसने कहा है कि 100% रिसाइकलेबल बॉटल है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है, 50% रिसाइकलेबल प्लास्टिक है, और डिस्पोज्ड बॉटल विद अ कैप ऑन, ठीक है। आपने इसको खोलना भी है, बोतल को ऊपर से आप जो है वो कैप को उतारें और उसके अंदर डालें और उसको लगाएं, ठीक है। अच्छा जी, नीचे आप इसकी वो देख सकते हैं, डायरेक्शंस लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं, हाँ जी, डायरेक्शंस लिखा हुआ है, स्पेशली इफेक्टिव वन यूज मॉर्निंग्स एंड इवनिंग आफ्टर ब्रशिंग, ठीक है। आप सुबह टाइम ब्रश करते हो, शाम टाइम में आप ब्रश करते हो, दो टाइम आप ब्रश कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप दो टाइम ब्रश कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए कि आप इसका भी जो सा है वो यूज़ करो साथ में, ठीक है। जब आप ब्रश कर लो फिर इसका यूज़ करो। उसने कहे हैं कि पोर 20 मिलीलीटर फॉर एक्स 5 मिलीलीटर, और उसके आगे उसने लिखा है टी स्पॉनफुल इन टू अ ग्लास रिंस अराउंड टीथ एंड गम्स फॉर 30 सेकेंड्स देन स्पॉयल इट, ठीक है। और उसने मतलब ये इतना बताया कि आप इतना इसको डाल सकते हैं बॉटल के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा है कि जी, नॉट सूटेबल फॉर अ यूज़ ऑफ अ चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर्स एंड डू नॉट स्वेलो, ठीक है। इफ़ स्वेलो देन गेट अ मेडिकल हेल्प, डू नॉट यूज़ इट एलर्जिक टू एनी ऑफ द इन्ग्रीडियंट्स। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि स्टॉप यूज़ एंड आस्क अ डेंटिस्ट इफ ऑरल इरिटेशन अकर्स, कीप आउट ऑफ द साइट एंड रीच ऑफ चिल्ड्रंस, स्टोर अवे फॉर द एक्सेसिव हीट एंड डायरेक्ट सनलाइट, ठीक हो गया जी। ये आपका उन्होंने पूरी आपको एक वो दी हुई हैं, ठीक है, डायरेक्शंस दी हैं, और उन्होंने पूरा एक इंग्लिश में लिखा है, नीचे उन्होंने थोड़ा अरेबिक में करके लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको क्लियर नज़र आ जाए तो ये देखें, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ये काफ़ी क्लियर है आई थिंक आपके लिए, काफ़ी ठीक हो गया जी, ये देखिए। बाकी ये बोतल आप भी लेकर आएँ, ठीक है, आपको किसी भी मार्ट वगैरह से ये मिल सकती है आसानी से, ठीक है। आप किसी भी स्टोर पे जाएं, मार्ट पे जाएं, आपको ये बोतल मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आप इसको खोल के देखिएगा, ठीक है। इसको खोलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, थोड़ा ज़ोर लगाना, ऐसे करके खोलना पड़ता है, तो मैं आप कह रही हूँ कि क्या ही खोलना है, ठीक है। बाकी आप खोल के देख लीजिएगा इस बोतल को, और
आप भी जाके ख़रीदें, बाकी यूज़ करके देखें, ये बेस्ट थिंग है। मैं आपको अगर बताऊँ तो ये सबसे बेस्ट थिंग है, आप इसको यूज़ करें, ठीक है। एक तो आपके मुँह से स्मेल नहीं आएगी, दूसरा ये कि आपके पिलाहट नहीं आएगी दांतों के ऊपर, ठीक है। और जब आप जब आप किसी से बात करेंगे तो फिर ये है कि आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी कि भाई दांतों से स्मेल आ रही है, ठीक है। और जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो तो बिल्कुल भी इसको यूज़ ना करें, ठीक है। जो 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फिर आगे 8, 9, 10 क्लास में हो जाते हैं बच्चे, तो फिर उनको थोड़ी बहुत समझ बूझ आ जाती है कि भैया हमने कैसे यूज़ करना है और कैसे नहीं यूज़ करना। और बाकी आप यूज़ करें और मुझे भी बताएंगे, और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना मत भूलिएगा। तब तक दें मुझे इजाज़त, खुदा हाफिज़।